आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। कोरोना संक्रमण को देखते हुए कांग्रेस ने सुझाव दिया कि भिलवाड़ा मॉडल अपनाकर ही इंदौर में कोरोना संक्रमण को रोका जा सकता है। प्रदेश कांग्रेस सचिव राकेश सिंह यादव ने बताया कि शहर में प्रशासन द्वारा भिलवाड़ा मॉडल अनुसार कार्य शुरू किया गया है, जिससे निश्चित ही कोरोना संक्रमण को रोकने में सफलता मिलेगी। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए श्री यादव ने कहा कि जिला कलेक्टर का यह बयान है कि जनवरी फरवरी में विदेश से आए लोगों के कारण संक्रमण फैलना इस बात को सिद्ध करता है कि केंद्र सरकार ने गंभीर चूक स्क्रीनिंग करने में की थी, जिसकी वजह से शहर व देश में कोरोना फैला। आज पलासिया क्षेत्र में डॉक्टरों पर हुए कतिपय हमले के सवाल पर श्री यादव ने कहा कि शिवराज सरकार में डॉक्टरों पर लगातार हमले हो रहे हैं और ऐसे हमलावरों के खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। वहीं चंद्रनगर के एक व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा कोरोना को लेकर अफवाह फैलाने के मामले में श्री यादव ने कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा कोरोना को लेकर अफवाह और भय फैलाने वाले दो व्यक्तियों के खिलाफ DIG को शिकायत दर्ज कराते हुए इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई है। श्री यादव ने कहा कि कतिपय तत्व आम लोगों में संबंधित मकानों को लेकर कोरोना संक्रमण के भय का माहौल बनाकर मकान खाली कराने और कम कीमत पर मकान बिकवाने का माहौल बनाते हैं, जिसकी जांच भी प्रशासन को करना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर आप जो प्रशासन जिस लाइन पर चल रहा है वो भिलवाड़ा मॉडल है। इस योजना के तहत अगर हम पहले भी चलते तो आज इतना संक्रमण नहीं फैलता और ना ही इतने मरीज सामने आते। निश्चित तौर पर स्क्रीनिंग की जाएगी, उसका फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद अगर कोई पेशेंट मिलता है तो उसकी आगे जांच की जाएगी। इंदौर में आज भी पलासिया में कुछ डॉक्टरों पर हमला हुआ, उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, जब से शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बने, कानून का राज समाप्त हो गया, जंगल राज कायम हो गया। लगातार डॉक्टरों पर हमले हो रहे हैं। आज भी जैसा मुझे पता चला है डॉक्टरों पर हमले किए गए हैं। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे लोगों का उसी क्षेत्र में जुलूस निकालना चाहिए और इतनी सख्त कार्रवाई जब होगी तभी ये डॉक्टर्स जो लगातार हमें बचाने का काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा हो सकेगी। इंदौर जिला कलेक्टर ने भी माना है कि एयरपोर्ट पर अगर प्रॉपर स्क्रीनिंग उस समय की जाती जी, तो इस तरह का मामला एकदम से नहीं बढ़कर आता, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर जो बात बोली गई है कि जनवरी फरवरी में अगर स्क्रीनिंग होती केंद्र सरकार के द्वारा तो ये कोरोना इतना पूरे देश में नहीं फैलता। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की चूक रही है और यह प्रशासन भी स्वीकार कर रहा है कि केंद्र सरकार ने जनवरी फरवरी में स्क्रीनिंग में चूक करी है। जो बाहर से लोग यहाँ आ गए सीधे और पूरे शहर में फैल गए और पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना फैला है। अभी चंद्रनगर के कुछ रहवासी संघ के कथित नाम से ये जानकारी सामने आई कि वे लोग अफवाह फैलाने का कार्य कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो एक गिरोह बना के संगठित होकर और शरारती तत्व भी हैं, ये मिलके कोरोना की अफवाह फैलाते हैं, फिर कुछ मकान खाली कराते हैं, कुछ किराएदारों से खाली कराते हैं। इस तरह का एक योजनाबद्ध कार्य चल रहा है। इसको लेके मैंने DIG महोदय को पूरी जानकारी दी, उनका अवगत कराया। दो लोगों के नाम सामने आए जिन लोगों ने ये अफवाह फैला के ऐसी कोशिश करी थी। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।